ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने जिसे पूछा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इसकी रिएक्शंस आप पूछ रहे थे कि बनाना नहीं आ रहा है सर। ठीक, अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज टाइम मिला है तो चलिए ठीक है, हम लोग जान लेते हैं क्या है। बहुत सिंपल है सर, कोई भी रिएक्शन होती है, सबको मालूम है किसी भी रिएक्शन में बेसिक्स क्या होते हैं। कोई भी रिएक्शन जो होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसमें दो साइड्स होती हैं। ठीक, रिएक्टेंट से मिलके क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। दो साइड्स होती हैं, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक, अब यही रिएक्टेंट को मिला के हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो इसी बेसिक्स पे जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कई टाइप्स की होती हैं। ठीक, एक होती है कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें भी टू टाइप्स की हो जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, और इसमें आपने एक जो ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, जैसे कि आपने डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन पूछा है, तो उसको हम लोग आज देख लेते हैं। ठीक, कवर कर लेते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब समझ रहे हो, नाम से ही स्पष्ट है, कम्बिनेशन। जब दो या दो से अधिक जब एलिमेंट्स को, ठीक, हम कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक, उसको कंबाइन करेंगे, उसको जोड़ेंगे, तो एक नया कोई प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट कोई बनाएंगे। ठीक, जैसे कि हम इसको ले लेते हैं, जैसे देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, जब दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ रहा है, वाटर। ये तो रिएक्शन सबको मालूम होगा। ठीक, अब रिएक्शन बनाना कैसे है, तो हमने इसको पहले बताया था, वैलेंसी के साथ आप लिखोगे। ठीक, हाइड्रोजन का इसके चार्ज के साथ प्लस लिखोगे और ऑक्सीजन का -2 लिखोगे, इसकी इधर करोगे समझने के लिए। ठीक, ये 2 इधर आ जाएगा, H2 और O1। ठीक, क्या हो गया, H2O। ठीक, ये हमारे पास, अब इसको बैलेंस कर लोगे, बैलेंस करना सबको मालूम है, ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक, इसमें देख रहे हो दो एलिमेंट्स को हम जोड़ रहे हैं रिएक्टेंट साइड के, कंबाइन कर रहे हैं, तो एक हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। अब जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल बताओ, जिसे बताओ, जिसे हमने लिया सोडियम। ठीक, सोडियम और क्लोरीन। ठीक, अब क्लोरीन गैस होती है, इसको हमेशा क्या करें, Cl2 के फॉर्म में लिखोगे। ठीक, तो क्या बनाओगे, अब इसको कम्बिनेशन रिएक्शन, अब इसको कंबाइन करो तो एक कोई सिंगल प्रोडक्ट बन के आएगा। ठीक, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, तो ये बन के आता है, क्या बन के आता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप साल्ट बोलते हो। ठीक, टेबल साल्ट, कॉमन साल्ट। ठीक, अब इसको बैलेंस कर लोगे, यहाँ पे ये दो क्लोरीन है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 कर दोगे, यहाँ पे 2 सोडियम हो गया, यहाँ पे 2 लगा दोगे। ठीक, ये हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगा, ये कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया ना, इसमें दो एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दिस इज द कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब है डीकम्पोज करना, तोड़ना। ठीक, कोई सिंगल प्रोडक्ट है, उसको हम दो या दो से अधिक पार्ट्स में उसको हम तोड़ दें एलिमेंट्स में। ठीक, तो वो क्या हो गया बताओ, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, उसको डीकम्पोज कर देंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे। ठीक, अब इसके लिए एग्जांपल आप देखिए, आपको समझ आएगा, देखिए। अच्छा ये बताओ, अच्छा कि कोई भी चीज़ अगर हमें तोड़ना है, ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है कोई भी प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे बताओ, उसको कुछ ना कुछ हीट देंगे ना, हीट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। जैसे कि आप जैसे कि वाटर, वाटर क्या करते हो, अगर आपको स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तो क्या करोगे, उसको हीट देते हो, अरे गैस चूल्हा जला के उसको गर्म करते हो। ठीक, तो वैसे ही कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें तोड़ना है, डिकम्पोज करना है, तो उसको, उसके लिए हमें क्या करें, एनर्जी लगेगी, हीट लगती है। ठीक, हीट को हम देते हैं, हीट को हम डेल्टा के फॉर्म में लिखते हैं, ये रिएक्शन में आप देखिए कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए H2O वाटर, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने कंस्टिट्यूंट में टूट जाता है। ठीक, ये डिकम्पोज हो गया। उसके बाद अगले एग्जांपल आप देखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या होता है, सॉलिड होता है, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन चूना पत्थर। ठीक, अब इसको आप गर्म करोगे, हीट दोगे, हीट दोगे, हीट देने के लिए क्या होता है, हीट इसको डेल्टा के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इसको एरे के ऊपर। ठीक, ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ कर दोगे, इससे ये मान लो गैस है, ये बन के उड़ जाएगी। तो आप रिएक्शन को बढ़िया से उसको पढ़िए, डिवीज़न कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।